बिहार में कोरोना काल में चुनाव कराने के मुद्दे पर अब आरजेडी और एलजेपी के एक सुर नजर आ रहे हैं। तेजस्वी के बाद अब चिराग पासवान ने भी बिहार चुनाव की तैयारियों में लगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरने में जुट गए हैं। दरअसल एलजेपी की बैठक में चिराग पासवान ने कोरोना को लेकर अभी चुनाव का सही वक्त नहीं होने की बात कही थी। चिराग ने अपने ट्वीट में भी इस मुद्दे पर पार्टी संसदीय बोर्ड के सदस्यों ने के चिंता जताने का जिक्र किया है। उन्होंने इस मुद्दे पर भी चुनाव आयोग से सोचकर फैसला लेने को कहा है। उनकी इस खबर को तेजस्वी ने ट्वीट किया। अब इसको लेकर बिहार में सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। अभी बिहार में चुनाव के हालात नहीं हैं, परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। जिस तरह से कोरोना को लेकर के हर ओर कम्युनिटी लेवल पर ये कोरोना का संक्रमण फैल चुका है, तो ऐसी परिस्थिति में हम चिराग पासवान जी को भी धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हमारे नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी के बातों का समर्थन किया है और हम आज भी इस बात पर कायम हैं कि चुनाव हो तो परंपरागत तरीके से चुनाव हो। किसी भी राजनीतिक दल को अगर अपनी बात चुनाव आयोग को कहनी है तो वो लिखित या मौखिक तौर पर पेश हो सकता है, जिसके लिए चुनाव आयोग के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। और एक बात स्पष्ट है कि देखिए, चुनाव आयोग अगर किसी भी आसन्न चुनाव के लिए ये तैयार है कि उसकी तैयारियां मुकम्मल है, सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त है, परिस्थितियां अनुकूल है, तो चुनाव टलने का कोई सवाल ही नहीं है, चुनाव समय पर ही होगा।